तो हे गाइस, मैं हूँ केके जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केके जेड प्रोडक्शन सर फेस फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं फ्रेंड, यदि आपने अपना लेबर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और आपने संगठित मजदूर का कार्ड बना चुके हैं फ्रेंड, तो जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के थ्रू जो लेबर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू जो स्कीमा होती है या फिर जो भी योजना होती है, सहायता योजना होती है फ्रेंड, तो उसके बारे में हम लोग ए टू जेड बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री आपका जो प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, ठीक है, आवास योजना जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ए टू जेड। हम लोग ए टू जेड इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ऑलरेडी मैं डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग वीडियोस बना चुका हूं उसके लिए कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले फ्रेंड चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वेब ब्राउजर ओपन करना है फ्रेंड और यहाँ पर सर्च करना है सीजी लेबर, ठीक है। सीजी लेबर सर्च करेंगे, जैसे ही सीजी लेबर सर्च करेंगे फ्रेंड देख सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पास सीजी लेबर NIC.in, ठीक है। तो आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन शासन श्रम विभाग वाले जो एक लिंक आएगा इसके ऊपर आपको सिंपली तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो है कि जो लेबर डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको इस तरीके से दिखाई देगा फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड, आप देख सकते हैं भवन एवं सह निर्माण, ठीक है, इसके ऊपर आपको देखना है क्योंकि फ्रेंड जो ये योजना है जो आवास योजना है मुख्यमंत्री जो भवन निर्माण आवास योजना जो होता है फ्रेंड, ये जो होता है संगठित मजदूर के लिए होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, असंगठित के लिए नहीं है, संगठित मजदूर के लिए होगा है, ठीक है। तो यदि आपका संगठित कार्ड बना है, संगठित मजदूर का कार्ड जो ठेका मजदूरी का काम करते हैं, तब भी सह निर्माण वाले ऑप्शन पे आना है और आपको सिंपली तरीके से यहाँ पर फ्रेंड जो है कि आवेदन करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आवेदन करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड आपको यहाँ पर सिंपली तरीके से जो है कि यहाँ पर देखना आना है फ्रेंड। आइए देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट करना है, आप जिस भी जिला से हैं फ्रेंड उस जिला को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी आपका जिला होगा। हमारे केस में हमारा जिला सूरजपुर है तो हम सूरजपुर जिला सेलेक्ट करेंगे, आपके केस में आपका कुछ भी होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ सूरजपुर जिला सेलेक्ट करने के बाद देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पर जो है कि सिंपली तरीके से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सिंपली तरीके से देखिए यहाँ पर आपको अपना पंजीयन क्रमांक डालना पड़ेगा, ठीक है। जो जो भी आपका संगठित मजदूर का जो पंजीयन क्रमांक होता है उसको डाल के आप विवरण देखे पे क्लिक करेंगे। जैसे विवरण देखे पे क्लिक करेंगे फ्रेंड मैं आपको आगे की स्टेप जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें करना है, एकदम अच्छे तरीके से मैं यहाँ बताऊंगा फ्रेंड आपको, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करेंगे फ्रेंड, जो भवन निर्माण जो संगठित मजदूर हैं ठेके मजदूरी का काम करने वाले जो संगठित मजदूर का जो कार्ड बना हुआ है फ्रेंड, वही लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना पंजीयन क्रमांक डालेंगे, आप अपना जो संगठित कार्ड है उसका और विवरण देखे पे क्लिक करेंगे। तो मैं आगे की स्टेप फ्रेंड आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो स्क्रीनशॉट है मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, जिसको आपको इसी चीज को फॉलो करना है और आपका जो है कि सिंपली तरीके से जो है कि आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा यदि आप आवास योजना के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको जिला वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, पंजीयन क्रमांक डालने के बाद आपको सिंपली तरीके से फ्रेंड यहाँ पर जो है कि नेक्स्ट स्टेप में आना है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपका जिला जो है सेलेक्ट हुआ रहेगा, आप यहाँ पंजीयन क्रमांक अपना डाल के विवरण देखे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर जस्ट नीचे पे आपको आ जाएगा फ्रेंड योजना चुने, योजना चुने में फ्रेंड आप जो है कि आवास योजना चूज कर लीजिएगा, सबसे नीचे पे आएगा। और फ्रेंड जो भी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड मैं यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट की इन्फॉर्मेशन है मैं हाइड कर दूंगा फ्रेंड, क्योंकि यूट्यूब में फ्रेंड जो है इन्फॉर्मेशन को हाइड करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और यूट्यूब कभी भी अलाउ नहीं करती कि आप किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप दिखाएं यहाँ, ठीक है। जो भी आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन होता है उनको नहीं दिखाना रहता है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं जो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन होगा उसे मैं हाइड कर दूंगा, आप अपने केस में भर लीजिएगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको योजना चुनना है अपना, सिंपली तरीके से आवास योजना आपको चूज करना है और यहाँ पर लाभ देखे पे क्लिक करेंगे। लाभ देखे पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी जिसका कार्ड रहेगा फ्रेंड उसका जो है कि आधार नंबर वगैरह और उसके सदस्य जो भी उसके सदस्य ऐड रहेंगे उनके नाम गाँव आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड आप योजना यहाँ सिंपली तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा, देख सकते हैं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना, इसी योजना का आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड सिंपली तरीके से देख सकते हैं मुख्यमंत्री देख सकते हैं निर्माण श्रमिक आवास योजना सेलेक्ट हो जाएगा और लाभ देखे पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पास आ जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड जैसे आप उसके ऊपर लाभ देखे पे क्लिक करेंगे आप फ्रेंड, उसके बाद देखिए फ्रेंड आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जब भी आप संगठित मजदूर का कार्ड बनवा रहे थे फ्रेंड तो वहां पर जो था कि फ्रेंड आपने अपना मोबाइल नंबर एक रजिस्टर करवाया था उस पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है, 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई करेंगे। जब तक आप
इस ओटीपी को वेरीफाई नहीं करेंगे फ्रेंड तब तक आप जो है कि आवास योजना का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आपके पास वो मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है, और यदि आपका मोबाइल नंबर गुम हो गया है तो आप उस नंबर को पहले अपडेट करवाएं नया नंबर, ठीक है, उसके बाद ही फॉर्म भरने के लिए आए, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड वेरिफिकेशन मांगेगा ओटीपी के थ्रू, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा, आप आगे का जो फॉर्म है वो स्टार्ट ही नहीं होगा आवास का, आवास योजना का, ठीक है। तो इसके बाद फ्रेंड यहाँ ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपको सिंपली तरीके से देखिए आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा भरना। यहाँ पर देख सकते हैं एक नया पेज में फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर आपको दिखाई देगा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना आवेदन फॉर्म, ठीक है। जब ओटीपी आप डालेंगे वेरीफाई कर देंगे उसके बाद ही फॉर्म स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड, आपको अपना सिंपली तरीके से आपको अपना यहाँ पंजीयन क्रमांक डालना है, जो आपका संगठित मजदूर का कार्ड पंजीयन क्रमांक उसको डालेंगे, पंजीयन का दिनांक डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रेंड आपको सिंपली तरीके से आपका पंजीयन का जो एक्सपायरी डेट है उसको डालेंगे, आप श्रमिक का जो नाम है उसको यहाँ लिखेंगे, और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड आप अपने पिता का नाम डालेंगे, और संबंध आपको बताना है, यदि पति का नाम डाल रहे हैं तो यहाँ पति का नाम लिखेंगे, और पिता का नाम डाल रहे हैं तो यहाँ पर संबंध में आपको पति और पिता दोनों सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, दोनों में से एक को। यहाँ पिता का नाम डालेंगे तो पिता का पिता संबंध संबंध जो है सेलेक्ट करेंगे, पति का नाम डालेंगे तो पति का संबंध यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड आवास संबंधित जानकारी आपको देना है, यहाँ पर चयन करें। तो फ्रेंड देखिए आप जो है कि अपना जो आवास बनवाने बनवाने जा रहे हैं वो आप सिंपली तरीके से अपने देख सकते हैं स्वयं भूखंड पर आवास, क्या जो है कि आपका खुद की जमीन पे आवास बनवा रहे हैं, यदि यदि आप खुद की जमीन पर बनवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, ठीक है, इस रेशियो बटन पे आपको चेक करना पड़ेगा। यदि आप नवीन आवास क्रय करने हैं तो ठीक है, मतलब आप जो है कि खरीद के अभी फिलहाल में जमीन पे बनवा रहे हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। निर्माण स्थल क्षेत्र शहरी या ग्रामीण, तो फ्रेंड जो यहाँ पर जो आप अपना जो घर बनवा रहे हैं वो शहरी इलाका में आता है क्षेत्रीय, मतलब शहरी इलाका में आता है या ग्रामीण इलाका में आता है, तो ग्रामीण इलाका में आता है तो ग्रामीण सेलेक्ट करिएगा, शहरी पे आता है तो शहरी पे सेलेक्ट कीजिएगा, और जितनी भी एस्ट्रिक साइन दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड इन सभी को आपको फिल करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि मैंडेटरी होता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड कुल निर्माण क्षेत्र वर्ग फीट में, तो यहाँ पर फ्रेंड जो जितनी भी एरिया में आप घर बनवा रहे हैं उतना को आपको फ्रेंड फीट के इस वर्ग फीट के हिसाब से आपको यहाँ पर डाटा लिखना पड़ेगा, कितना वर्ग फीट में आप बनवा रहे हैं। इसके बाद देखिए बैंक ऋण संबंधित जानकारी, तो फ्रेंड इस कॉलम को आपको अच्छे से फिल करना है फ्रेंड, तभी आपका जो पैसा है सहायता राशि है वो आपको दिया जाएगा, यहाँ पर कुछ विवरण आपको देने पड़ेंगे फ्रेंड, ठीक है, इसको अच्छे से चीजों को आपको समझ लेना है। ऋण की राशि, तो फ्रेंड आपने जो बैंक से कितना ऋण ले रखा है उसका आप डिटेल देंगे, यहाँ पर कितना ऋण लेके रखा हुआ है, 2 लाख ऋण लेके रखा हो 2 लाख डालेंगे, 1.5 लाख रुपए ऋण लेके रखे हैं तो 1.5 लाख रुपए डालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड ऋण ऋण प्रदाता बैंक का नाम, आपने किस बैंक से ऋण लिया है, SBI से, पंजाब नेशनल बैंक से, आप सेलेक्ट हियर पे क्लिक करेंगे तो पूरा बैंक की लिस्ट आ जाएगा, तो वहां से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, चाहे आप देना बैंक से, चाहे आप IFC बैंक से लिए हुए हैं, चाहे आप सेंट्रल बैंक से, चाहे IDBI बैंक, जिस भी बैंक से लिए हैं उस बैंक को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ऋण स्वीकृति दिनांक, किस तारीख को आपने ऋण लिया है उसका आप डेट लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर ब्रांच का नाम, जैसे ही बैंक यहाँ पर फ्रेंड जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे बैंक का नाम, तो आपको वहाँ पर जो भी आपके जिले में जिस भी जिला के बैंक से आपने लोन लिया है उसका आप ब्रांच का नाम यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर फ्रेंड उस बैंक का IFC कोड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, IFC कोड यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, जो अब ये जितनी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड ये सब आपके पासबुक पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड ऋण खाता क्रमांक, जिस भी खाते से आपने ऋण लिया हुआ है उसका आप जो है कि अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, आप अपना जो भी खाता से आपका ऋण लिया हुआ है उसको आप यहाँ पर खाता नंबर में डालेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड ऋण EMI की मासिक किस्त, आप किस किस से आपने मतलब जो है कि अपना ऋण मतलब किस किस्त से आप पैड कर रहे हैं, ठीक है, कितने किस्त से आप पैड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताया जा मतलब यहाँ बताया गया है, देख सकते हैं EMI की मासिक किस्त, ठीक है, कितनी किस्त है, कितने किस्त में आपको पैड करना है, 12 किस्त में, 13 किस्त में, 15 किस्त में, 17 किस्त में, जिस भी किस्त में आपको EMI का पैड करना है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। फिर ऋण अवधि माह में, मतलब आपने कितने अवधि के लिए फ्रेंड जो है कि ऋण ले रखा है, मतलब माह में बताना है आपको, जैसे कि 2 साल के लिए लेके रखा है तो 24 माह, 1 साल के लिए लेके रखा हुआ है तो 12 माह, ठीक है, तो इस चीज को आपको बताना है। ब्याज की दर, तो फ्रेंड ये डिपेंडेंट करता है बैंक बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि हर बैंक का अपना अपना खुद का ब्याज होता है, कितने ब्याज के दर से आपने इस ऋण को लेके रखा हुआ है उसका विवरण आपको देना पड़ेगा, ठीक है, उसका परसेंट में बताना पड़ेगा, जैसे कि SBI का 7.5 चल रहा है तो 7.5 के हिसाब से, किसी का 7.01 के हिसाब से चल रहा है तो उसका आपको दर लिखना पड़ेगा। कुल ब्याज, आपने कुल कितना ब्याज लिया है, यदि आपने 2.5 लाख रुपए लिया है तो 2.5 लाख डालेंगे,
2 लाख रुपए लिया है तो 2 लाख रुपए आप डालेंगे। और ये जो इतनी बैंक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, इसको आप अच्छे से फिल करिएगा, अदरवाइज आपको सहायता राशि नहीं मिल पाएगा, समझ रहे ना। तो आपको अच्छे से यहाँ फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड देख सकते हैं, आपको दस्तावेज की जानकारी, इतने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा फ्रेंड। कौन कौन से दस्तावेज लगेगा फ्रेंड, इसके लिए मैंने डीप में ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है इस वीडियो के रिगार्डिंग ही, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, आपको जो है कि आधार कार्ड लगेगा, आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखना है, और इसका साइज जो होगा, पीडीएफ का साइज जो होगा वो 60 KB से 120 KB के अंदर होना चाहिए, याद रखिएगा, पीडीएफ फाइल में जो आपका आधार कार्ड है। इसी इसके बाद जो श्रमिक पंजीयन कार्ड, जो आपका संगठित मजदूर का जो कार्ड है फ्रेंड, उसको भी आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, और 60 KB से 120 KB के बीच में आपका पीडीएफ होना चाहिए। नियोजक प्रमाण पत्र, नियोजक प्रमाण पत्र फ्रेंड ये प्रमाण पत्र होता है जहां भी आप संगठित मजदूर हैं, तो फ्रेंड संगठित मजदूर जो होते हैं ठेके का काम करते हैं, तो फ्रेंड वहां जो ठेकेदार होता है उसके पास जाना है फ्रेंड, उसके पास नियोजक प्रमाण पत्र रहेगा, वहां से वो आपका डिटेल निकालेगा, आपका नाम लिखेगा, और आपने कितने दिन यहाँ मजदूरी की हुई है, ठेकेदारी का काम किया हुआ है, कितना पैसा आपको मिला है, वहां पर ठेकेदार जो है अपना साइन सिग्नेचर, अपना नाम सब कुछ ऐड करेगा और आपको ये नियोजक प्रमाण पत्र दे देगा। इसको भी अपलोड करना है पीडीएफ फाइल में 120 KB के अंदर, ठीक है, 60 से 120 KB के अंदर। इसके बाद देखिए फ्रेंड, ब्याज की गणना संबंधित प्रमाण पत्र, तो ब्याज की जो गणना संबंधित जो प्रमाण पत्र होता है फ्रेंड, बैंक के थ्रू जो स्टेटमेंट रहेगा आपके ब्याज के रिगार्डिंग, उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। तो ये भी पीडीएफ में होगा, 120 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं भूखंड का खसरा नक्शा और बीवन, तो फ्रेंड आपको क्या करना है, सिंपली तरीके से पीडीएफ फाइल में आपको अपना बीवन भी निकाल लेना है, अपना पीवन भी कनेक्ट कर लेना है, और साथ में अपना नक्शा भी कनेक्ट कर लेना है। खसरा खसरा खतौनी नक्शा बीवन पीवन जो भी रहेगा उसको एक ही पीडीएफ में डालिएगा, और फ्रेंड सिंपली तरीके से उसका पीडीएफ क्रिएट करिएगा और 120 KB के अंदर यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो है कि आवास ऋण स्वीकृति पत्र की मूल स्कैन प्रति, बैंक के थ्रू जो भी आपको यहाँ पर जो है कि एक्सेप्टेंस लेटर मिले रहेगा फ्रेंड, जिसमें कि आपका जो लोन है वो पास हुआ रहेगा, ऋण जो है उसको पास हुआ रहेगा, उसको आपको फ्रेंड स्कैन करना है, उसे भी 120 KB के अंदर जो है कि स्कैन करके आपको पीडीएफ फाइल में यहाँ बना लेना है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, ये घोषणा प्रमाण पत्र फ्रेंड आपके द्वारा लिया जाएगा, जिसमें कि आपको अपना नाम बताना है, अपना गाँव, अपना नाम, और आप किस पर्पज के लिए जो है कि ऋण ले रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको किस पर्पज के लिए सहायता राशि की जरूरत है, वहां पर आप अपना डिक्लेरेशन देंगे और साथ में अपना साइन वगैरह करेंगे, उसके बाद उसे भी पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना है। और यहाँ पर फ्रेंड चेक मार्क पे आपको चेक करना है, बस चेक मार्क पे यहाँ बताया जा रहा है फ्रेंड कि जो भी आप यहाँ आवेदन भर रहे हैं उसके लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट या दस्तावेज दे रहे हैं या बता रहे हैं वो पूरी तरीके से सत्य है और हमारे द्वारा ये डिक्लेरेशन किया जा रहा है फ्रेंड, और इसमें कोई भी गलत चीजें पाई जाती है तो इसका दंड का भागीदार जो है मैं खुद हूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, सुरक्षित करें पे आपको क्लिक कर देगा, जैसे सुरक्षित करें पे क्लिक करिएगा फ्रेंड, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आपको एक सिंपली तरीके से एक स्लिप मिलेगा फ्रेंड, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सह निर्माण कर्मकांड मंडल की तरफ से। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, देखिए आपका जो इसका जो पंजीयन क्रमांक होगा फ्रेंड अलग होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जो है कि आपका पंजीयन क्रमांक नंबर अलग होगा जो कि इस फॉर्म का होगा, जो आप भवन निर्माण का जो आवास योजना का जो फॉर्म भर रहे हैं ना, उसका पंजीयन क्रमांक होगा, ठीक है। और बाकी डिटेल होगी आपके पिता का नाम, आपका व्यवहार पता, ठीक है, पुत्र पुत्री का नाम, ठीक है, यहाँ पर जो भी परीक्षा जो भी चीज रहेगा यहाँ पर पूरी डिटेलिंग रहेगी उसकी, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा फ्रेंड, ठीक है। तो आपको फ्रेंड जो जो ये पंजीयन क्रमांक दिख रहा है फ्रेंड, इसको आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, क्योंकि आपको अपना जो योजना है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, आप सिंपली तरीके से चेक कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बताऊंगा। लेकिन हाल ही में देखिए, जैसे फॉर्म आप सबमिट करेंगे तो योजना देख सकते हैं, योजना आवेदन की जाँच नहीं हुई है, ठीक है। अभी अभी फॉर्म सबमिट हुआ रहेगा तो आपका जो योजना है अभी वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, फिर वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही जो है कि आपका एक्सेप्टेंसर का लेटर आएगा आपके मोबाइल पे, या फिर आप चेक करेंगे तब आपके पंजीयन क्रमांक से, जो यहाँ पंजीयन क्रमांक आएगा उसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब इससे पता करिएगा कि आपका एक्सेप्ट है कि नहीं है, उसके लिए मैं पर्सनल वीडियो बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से जो है कि आप अपना जो आवास योजना का जो फॉर्म है वो इजीली तरीके से भर सकते हैं। तो फ्रेंड यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।